हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 72वें उर्स पाक के अवसर पर शानदार आतिशबाजी के बाद इदरीस साबरी चिश्ती का ओवैश जाहिद नाजा कव्वाल एंड पार्टी से जंगी मुकाबला हुआ। इस दौरान श्रोताओं की भीड़ नजर आई। सालाना उर्स पाक कमेटी के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित एकता उर्स में कौमी एकता और अखंडता का बेमिसाल उदाहरण पेश करते हुए इस वर्ष भी हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह का 72वां उर्स पाक मुबारक बड़े ही शानो शौकत के साथ 5 दिवसीय आयोजन मनाया जा रहा है। गुरुवार को शानदार आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मशहूर आतिशबाज रजा फायर वर्क्स के सौजन्य से शानदार आतिशबाजी पेश की गई। इस दौरान वहां दर्शक और शहर की जनता ने तालियां बजाकर अपना उत्साह दिखाया। उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा, एमपी के पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी, जनरल सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी ने उर्स पाक के कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। कि हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली की बारगाह में मैं अपनी आतिशबाजी को नजर करूंगा। हम दुआ करते हैं कि दराज रहें और इसी तरीके से हर साल अपना आइटम यहां पेश करते जाएं। दोस्तों, आज प्रोग्राम के पहले दिन कल शाही संगम था, रोशनी से नहा गया है ये वाटरफॉल झरना। ताली बजा के मित्रों स्वागत करिए इनका। ये गोल्डन वाटरफॉल है दोस्तों, रोशनी आप तक नहा गया। हट जाओ बच्चों, जरा सा हट जाना, जरा सा आप अपने कमरे में उठा लीजिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें मित्रों। बहुत शानदार, बहुत अच्छा आइटम है। याद रखें की मेहनत ये नजर करते हैं बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली की बारगाह में अपनी मेहनत से बाहर। ऐसा लगता है सरकार की बारगाह के सामने और सभी आप लोग रोशनी से नहाए हैं। जिंदगी में नई आशा नई किरण डालेगा और हम सभी भाई आपस में मिलकर देश वतन और राज्य की खुशहाली व तरक्की के लिए। सालाना उर्स पाक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी ने कहा कि इस उर्स पाक के आयोजन को लेकर हर साल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर इंतजाम किए जाते हैं। वहीं उर्स पाक कार्यक्रम में पिछले 52 वर्षों से हर साल पटवारी दरबार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश द्वारा भव्य संदल निकालकर काबुली दरबार में हाजिरी पेश की जाती है। इसका नेतृत्व एमपी के पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी करते चले आ रहे हैं। सालाना उर्स पाक कमेटी निर्णायक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष संदल चादर झांकियों को विभिन्न समाज सेवियों की स्मृति स्वरूप नियम अनुसार चयनित कर पुरस्कृत भी किया जाता है। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित सैयद बाबा साहब काबुली वाले का दरबार, जहां मोहब्बत व अकीदत का केंद्र बना हुआ रहता है, इसी कारण बाबा का उर्स मुबारक संपूर्ण देश प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव, कौमी एकता, प्रेम, भाईचारा, इंसानियत और अनेकता में एकता की बेमिसाल भी पेश करता है। वहीं उर्स में पहुंचे लोगों की आस्था देखते ही बनती है। इस अवसर पर एकता द्वारा का चमकता रूप आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस दौरान दरगाह में पेश की जाने वाली शेरनी, चादर और फूलों की दुकानें भी सजी नजर आई। इसी कड़ी में 3 दिनों तक होने जा रहे शानदार कव्वाली के बेमिसाल मुकाबले के पहले दिन इदरीस साबरी चिश्ती का ओवैश जाहिद नाजा कव्वाल एंड पार्टी के बीच हुआ बेमिसाल मुकाबला। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार की रात अजीज नाजा कव्वाल एंड पार्टी मुंबई का मुकाबला अनीस नवाब कव्वाल एंड पार्टी अहमदाबाद के साथ है। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।